नमस्ते बिटिया, आई जेवीएन निशु शर्मा, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। टुडे आवर टॉपिक इज व्हाट इज एट्रीब्यूट एंड व्हाट इज अ टाइप ऑफ एट्रीब्यूट। सो इन द प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द एंटिटी एंड द एंटिटी रिलेशनशिप, एंटिटी मॉडल डायग्राम। सो नाउ वी डिस्कस एट्रीब्यूट। सो एट्रीब्यूट इज यूज टू डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटिटी। Is used to represent an attribute. So, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि स्टूडेंट जो है ये हमारा क्या है, एक एंटिटी है जिसको हमने रेक्टेंगल बॉक्स में डिफाइन किया है। अब स्टूडेंट किस टाइप का है, क्या चीजें हैं, अब स्टूडेंट कैसा है, उसकी प्रॉपर्टी को क्या डिस्क्राइब करेगा, उसकी प्रॉपर्टी को उसका एट्रीब्यूट डिस्क्राइब करेगा। सपोज एक स्टूडेंट है गुड या बैड, तो उसकी प्रॉपर्टी बताएगी हैबिट। ठीक है, स्टूडेंट की आईडी क्या है, स्टूडेंट मेल है फीमेल है, स्टूडेंट की एज क्या है, स्टूडेंट का नेम क्या है, स्टूडेंट का कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, वो सारी चीजें हमारे को कौन बताएगा, एंटिटी की डिफाइन कौन करेगा, उसके एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे। अब एट्रीब्यूट क्या होते हैं, अब एट्रीब्यूट जैसे स्टूडेंट की आईडी के लिए एट्रीब्यूट हो गए आपकी आईडी, फोन नंबर, एज एंड नेम, ये सब क्या हो गए आपके एट्रीब्यूट हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट। इसके बारे में भी हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में इसका डेमोंस्ट्रेशन किया था कि ये एट्रीब्यूट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, डिराइव एट्रीब्यूट, ये सब आपके क्या है, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट है। बट फर्स्ट वी डिफाइन की एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट मतलब अगर आपके पास कोई भी ईआर मॉडल होता है और कुछ इस तरीके से डिफाइन हो, जिसके नीचे आपका कोई ओवल शेप दिया हो और ओवल शेप के नीचे एक अंडरलाइन दे दी गई हो, दैट मीन उसको देख के समझ जाना कि ये क्या है, आपका की एट्रीब्यूट है। यानी कि इक्लिप्स जो होगी उस इक्लिप्स के नीचे अंडरलाइन होने पर वो आपका क्या होता है, की एट्रीब्यूट हो जाएगा। अब एट्रीब्यूट की एट्रीब्यूट को कैसे डिफाइन करोगे, जो इक्लिप्स के शेप में जो दे रखा है वो सब आपकी क्या है, आपके एट्रीब्यूट है। तो बेसिकली हम बात करें कि की एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ एंटिटी। अब एक जैसे आप स्टूडेंट हो, आपकी आईडी क्या है, आपकी आईडी मुझे पता हो तो आपकी उस आईडी से मैं आपका पूरा डेटा निकाल सकती हूँ, आपका कॉन्टेक्ट नंबर, आपकी एज, एक आपका नेम या आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, आपका जैसे जेवी का थम आईडी हो गया या जेवी का आपका स्कॉलर नंबर हो गया, आपकी स्कॉलर नंबर से ही हमारे को आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो वैसे ही आपका की एट्रीब्यूट है, उसी को हम लोग की एट्रीब्यूट बोलते हैं। कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है, कंपोजिट एट्रीब्यूट मतलब एक ऐसा एट्रीब्यूट जो क्या डिफाइन करता है, मल्टीपल एट्रीब्यूट को डिफाइन करता है। जैसे कि आपका नेम, आपके नेम में मल्टीपल एट्रीब्यूट है, जैसे आपका फर्स्ट नेम, आपका मिडिल नेम, आपका लास्ट नेम, ठीक है। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इलिप्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और हर इलिप्स किससे कनेक्ट होती है, मेन इलिप्स से होती है, ठीक है। जैसे कि इसमें आपने एग्जाम्पल में देखा है, ये नेम है आपका, मेन इलिप्स है, मेन एट्रीब्यूट है, इस एट्रीब्यूट से आपके मल्टीपल एट्रीब्यूट क्या है, कनेक्टेड। अब हम बात करते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट मतलब मोर देन वन वैल्यू, मतलब आपका फोन नंबर, आपका फोन नंबर बहुत सारे फोन नंबर हो सकते हैं, यानी कि आपके पास मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। तो हम मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट की डेफिनेशन दें कि एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसके अंदर एक और उससे ज्यादा वैल्यू को वो क्या करता है, स्टोर करता है। तो इस टाइप के एट्रीब्यूट को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट बोलते हैं, जो हम डबल ओवल शेप से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि स्टूडेंट का हमने यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिराइव एट्रीब्यूट। डिराइव एट्रीब्यूट मतलब एक ऐसा एट्रीब्यूट जो हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, ठीक है। और हम कोई भी एक हमारे पास एट्रीब्यूट हो जिसके थ्रू हम उसकी वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम डैश एलिप्स से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। मतलब आपके पास एज है, एज से आप एक ऐसा एट्रीब्यूट जिससे आप दूसरे एट्रीब्यूट की क्या कर सको, डिफाइन कर सको। अब सपोज एज है, एज आपकी 26 है, तो उस 26 एज से आप ये पता कर सकते हो कि इसका बर्थ डेट कब था। तो 26 हम उसमें एड ऑन कर देंगे, लास्ट प्रीवियस जाते जाएंगे, दैट मीन उससे आपकी एज से आपका बर्थ डेट डिफाइन हो जाएगा। मतलब एक ऐसा एट्रीब्यूट जो किसी दूसरे एट्रीब्यूट को डिफाइन कर सके, ठीक है, जिसको हम डैश एलिप्स से
डिफाइन करेंगे, यानी कि एक हमने यहाँ एग्जाम्पल ले लिया कि एक पर्सन एज चेंज ओवर टाइम कैन बी डिफाइन फ्रॉम अदर एनदर एट्रीब्यूट लाइक डेट ऑफ बर्थ। क्लियर है? अब जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उन सबको हमने यहाँ पर क्या किया है, डिस्क्राइब किया है। ये देखिए हम यहाँ एक सारा हमने एक पूरा एक ले लिया है जिसमें हमने सारी चीजों को किया है। स्टूडेंट एक आपकी एंटिटी है, स्टूडेंट का रोल नंबर होता है, स्टूडेंट का नेम होता है, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ होता है, स्टूडेंट का फोन नंबर होता है, स्टूडेंट की एज होती है, स्टूडेंट का एक एड्रेस होता है। ये एक एंटिटी बना दी है जिसकी एक कंट्री है, जिसका स्टेट है, जिसका सिटी है, जिसका स्ट्रीट है। अब यहाँ पर बताएं ये क्या हो गया आपका डिराइव, ये हो गया आपका मल्टी वैल्यूड, और ये हो गया आपका की एट्रीब्यूट। ठीक है, और ये सब आपकी क्या हो गए, कंपोजिट एट्रीब्यूट। क्लियर है यहाँ तक? तो आई होप आपको इस वीडियो में ये समझ में आएगा कि व्हाट इज एट्रीब्यूट एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ व्हाट इज द ऑल टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट वी यूज्ड इन अ वी यूज्ड फॉर मेकिंग अ डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ईआर मॉडल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी।